हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सुपर फूड मीठे मखाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो चलिए स्पेशल तरह से बनाते हैं मीठे मखाने। मखाने बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मखाना। ये देसी मखाना है, इसीलिए थोड़ा सा छोटा है। 200 ग्राम गुड़, 50 ग्राम तेल। अब दूसरी तरफ गैस में हम रखें कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो गया है, फिर उसमें डालें हैं मखाना। आप इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक मखाने को अच्छी तरह से भून लीजिए, जिससे होगा क्या, मखाने अच्छे से कड़क हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्लेम को लो करके मखाने को अच्छी तरह से भून रही हूँ। दो मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप एक मखाने को फोड़ कर देखिए, मखाने अच्छे से भुना है या नहीं। इसमें 1 मिनट और लगेगा, मखाना अच्छे से नहीं भुन पाया है। इसे हम चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह से इसे हम फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए, मखाना बिल्कुल भूनकर तैयार हो गया है, एकदम कड़क हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने सारे मखाने को निकाल लिए हैं, ये देखिए। अब इसी कढ़ाई को साफ करके 1 चम्मच डालेंगे घी। घी डालने के बाद इसमें हमने जो गुड़ लिए थे, सारे गुड़ को डाल देंगे और घी और गुड़ को अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरह से गुड़, घी, पानी सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पर इसका चाशनी बनने तक बना लेंगे। जैसे हम लाई बनाते हैं, मुरमुरा के लड्डू ये सब जो बनाते हैं, उस टाइप का गुड़ हमें चाहिए। ये देखिए, तो गुड़ बनकर तैयार हो गया है। इसे आप थोड़ा सा पानी में डाल के चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि गुड़ हाथ में अच्छी तरह से कड़क है पानी में देने के बाद, तो समझिए आपका गुड़ तैयार हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, गुड़ में हम डाल दिए हैं मखाने को, और फिर उसमें हमने जो तिल लिए थे, भुने हुए तिल, वो तिल को डालेंगे इस तरह से, और मखाने तिल गुड़ को अच्छी तरह से मखाने में मिला देंगे। इन सभी को मिलाने के बाद मैंने एक थाली लिए हैं, थाली में डाल दिए हैं सारे मखाने को। ये बहुत गर्म रहता है, तो आप इसीलिए थाली में इसे निकाल लीजिए या कोई बर्तन में निकाल लीजिए। तो ये देखिए, ये नॉर्मल गर्म हो गया है। हम एक एक करके सारे मीठे मखाने को अलग कर लेंगे। आप अगर इसको ठंडा होने तक वेट करेंगे तो मखाने एक दूसरे से नहीं हटेंगे, इसीलिए आप नॉर्मल जब गर्म रहे तभी एक एक मखाने को हटा लीजिए। तो हमने सारे मखाने को हटाकर तैयार कर लिए हैं इस तरह से। तो अब हम इसे सर्व करेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मखाना बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर